प्लॉट ले लो, प्लॉट ले लो, कश्मीर में प्लॉट ले लो, 1 लाख रुपए गज प्लॉट ले लो, अच्छे से अच्छा प्लॉट 1 लाख रुपए में ले लो। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारे देश के अंदर हट चुका है 370 और 35A कश्मीर में। जैसे कि आप जानते हो कि कश्मीर में 370 और 35A आर्टिकल हट चुका है, यानी कि अब कश्मीर में भी रूल रेगुलेशन जो होंगे वो होंगे पूरे संपूर्ण भारत में जैसे रूल रेगुलेशन होते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। खुश रहो, खुशहाल रहो और सबके साथ एकता में रहो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि 370A हटने के बाद, आप जानते हो जब फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, हर जगह मैसेज आ रहे हैं, मीम्स आ रहे हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं और एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, चुटकुले भेज रहे हैं, जोक्स भेज रहे हैं कि कश्मीर में प्लॉट हो गया, ये हो गया, सो हो गया, अब हम ये करेंगे वो करेंगे। तो दोस्तों, इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ स्कैमर। दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ स्कैमर होते क्या है। स्कैमर वो लोग होते हैं कि जो ताक में रहते हैं ऐसे मौके का, जिसमें कि वो गरीब लोगों का फायदा उठा सके, उनसे मोटी कीमत लूट सके। दोस्तों, ऐसे में आपको बता देता हूँ, कुछ दिनों से जैसे ये 370A कश्मीर से हटा, आपके पास भी एक मैसेज आया होगा। मैं जो नॉर्मली आपको दिखा देता हूँ, ये मैसेज बहुत लोगों के पास आ रहा है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, बुक योर लैंड एट कश्मीर लाल चौक रोड फ्रॉम 11.25 लाख विद GST, यानी 11.25 लाख में आपको लाल चौक पे प्लॉट मिल जाएगा कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर में अब 370A रिमूव हो चुकी है धारा। तो दोस्तों, और इसमें साथ में ये भी लिखा कि लिमिटेड स्टॉक है और साथ में आपको फ़ोन नंबर भी यहाँ पे ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमने जब इस जगह पे कॉल किया तो हमें पता चला कि ये कलकत्ता के अंदर कोई रियल इस्टेट बहुत बड़ी कंपनी है जो लैंड वगैरह, ये मकान वगैरह, ये जो प्रॉपर्टी वगैरह के काम करते हैं, उनका कस्टमर केयर का नंबर है। और जब उनसे पता चला कि किसी शरारती तत्व ने ये मैसेज एडिट करके उनका नंबर डाल दिया है दोस्तों, तो इस मैसेज पे आप भरोसा ना करें। वो रियल इस्टेट कंपनी जो है कलकत्ता के अंदर, उसने केस कर दिया है और साथ में ये भी बोल दिया है, अगर कोई भी इंसान ऐसे मैसेज का शिकार होता है तो उसमें कंपनी का 1% भी जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार वो इंसान खुद होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप जानते हो अब ये मैसेज सर्कुलेट होना शुरू हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद आपके मोबाइल में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे लिंक भी आ जाएंगे कि इस लिंक पे क्लिक करो, फॉर्म भरो और प्लॉट ले लो कश्मीर के अंदर। तो दोस्तों, ऐसे स्कैमर के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो फिर आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो डेबिट कार्ड भी फ्रॉड कर लेते हैं, ये फालतू चीज़ें करते हैं, आपको फ़ोन कर करके क्रेडिट कार्ड का नंबर ले लेते हैं, आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, वैसी है ये लोग। इन पे भरोसा ना करें, ऐसे बेकार लिंक पे क्लिक ना करें, ऐसे मैसेज पे विश्वास ना करें, क्योंकि 370 अभी हटी है, उसके लिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन कानून अभी बनना बाकी है। दोस्तों, खुद सोचो, जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक ये प्लॉट कैसे बिक रहा है। दोस्तों, आप खुद सोचो, ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, ऐसे फेक मैसेज को फॉरवर्ड ना करें, इससे आपका तो नुकसान होगा ही होगा। जो इंसान आपके मैसेज किए गए फॉरवर्ड मैसेज पे भरोसा करके इन लोगों के थ्रू फंस जाएगा, इनको पेमेंट कर देगा, और फिर उस इंसान का तो बेकार हो गया होगा, साथ में आपको भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें, इस ऐसे मैसेज को आगे फॉरवर्ड बिल्कुल ना करें और खुशहाल रहे, दूसरों को खुश रखें। दोस्तों, बस हम यही कहना चाहते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों, हम ऐसी वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो हमारा सपोर्ट भी करते रहिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी रोज बर रोज। तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते नए वीडियो।